this is the GoPro Hero 7 black camera, which has the best stabilization and slow motion ever. Feature new Hero 7 time wrap hyper smooth technology in 4K as well as 2.7K 4:360 FPS improved image quality in super slow mo 1080p 240 FPS and 2.7K 120 FPS. So before going into details, I just recorded a unboxing video. So before we go into the all the features and settings of this camera, let's just see the unboxing video. Okay, so ये है GoPro Hero 7 Black जो कि अभी लॉन्च हुआ है और इसके लॉन्च होने के दो दिन बाद ही मैंने ले लिया था और इसके साथ कुछ ऑफर मिलते हैं जो कि वेबसाइट पे आके रजिस्टर करने पड़ेंगे और ये है इसकी 1 ईयर की वारंटी जो कि ये भी वेबसाइट पे आके रजिस्टर करनी पड़ेगी और शोकेस को इसका ऐसा है बॉक्स और जैसे कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी हैं कितने माउंट्स होंगे और मोबाइल ऐप और सारी डिटेल्स स्पेसिफिकेशन दे रखी हैं साइड्स में जैसे कि इसमें 4K 60 FPS 1080p 240 FPS वॉइस कंट्रोल और हाइपर स्मूथ लाइव स्ट्रीमिंग HDR GPS और ये है गिम्बल इसमें गिम्बल की ज़रूरत नहीं है इसमें इनबिल्ट गिम्बल है जो कि हाइपर स्मूथ के नाम से जाना जाएगा और तो इसको दिखाने से पहले बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं तो ये है बॉक्स जैसे कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इसमें ज़्यादा माउंट्स होंगे या ज़्यादा कुछ होगा तो सबसे पहले है ये मैनुअल बुक बेसिक मैनुअल बुक की बैटरी कहाँ डलती है क्या कहाँ होता है तो और फिर इसके बाद आते हैं ये स्पीकर्स जैसे कि हर GoPro के साथ आते हैं इसको कहीं पे भी हेलमेट में वगैरह कहीं पे भी लगा सकते हैं और ये है मैनुअल बुक क्योंकि शायद ही कोई पढ़ना चाहेगा और इसके बॉक्स में है एक केबल ये बैटरी है और ये रिमूवेबल बैटरी है GoPro की GoPro के साथ आई है मतलब तो ये है डाटा केबल USB केबल चार्जिंग केबल और ये है एक कर्व माउंट और ये है बेसिक माउंट और बाकी बॉक्स में कुछ नहीं है खाली है और जैसे कि एक्सपेक्ट किया था तो इसको इससे केस से निकालते हैं ये इनबिल्ड ये पहले से ही वाटरप्रूफ है इसमें वाटरप्रूफ केस की ज़रूरत नहीं है और इसमें चार माइक हैं जो कि दो माइक इंटरनल हैं और दो आपको बाहरी दिख जाएंगे तो ये रहा इसका कुछ शोकेस और इसकी बैटरी यहाँ पे डलती है तो बैटरी डालते हैं पहले बैटरी की साइड में इसकी मेमोरी कार्ड डलती है तो ये रही इसकी बैटरी रिमूवेबल बैटरी है और इसको डालते हैं फिर और ये लॉक हो गया तो इसको ऑन करके देखते हैं तो ये हो गया ऑन अब इसका इंट्रो है ये GoPro Black 7 ओके तो ये है हीरो GoPro 7 Black जो कि अभी लॉन्च हुआ है और मैंने रिलीज़ होने के दो दिन बाद ही इसको ले लिया था और ये आया है सबसे ज़्यादा एडवांस फीचर्स में इस बार इससे पहले 6 आया था उसके ये कह सकते हैं कि ज़्यादा सिमिलैरिटी हैं लेकिन ये इसमें एडवांस फीचर्स दे रखे हैं जैसे कि इसका सबसे अच्छा फीचर है इसमें हाइपर स्मूथ जो कि इनबिल्ड स्टेबलाइज है और इसमें मतलब आपको गिम्बल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके मैंने कुछ शॉट्स भी लिए हैं वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा उससे पहले मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि इसके कुछ फ़ीचर है जैसे इसमें एक लाइव स्ट्रीम का फीचर्स है वो आप अपने फ़ोन के ऐप में कनेक्ट करके और जैसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं और इसमें सुपर वाइड फ़ोटो कैप्चर क्वालिटी है इसमें इसमें डिटेलिंग अच्छी है सैचुरेशन अच्छे हैं कलर रॉ में है
और आपको शायद ऐड करने की ज़रूरत भी ना पड़े। और इसमें 50 और 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग भी होती है। और टाइम रैप्स इसमें एक मतलब फीचर है, जैसे कि टाइम लैप्स होता है वैसे ये टाइम रैप है, इसमें 8x फास्ट होता है तो वो है। और इसमें हाइपर लैप्स आप बना सकते हैं बिना किसी गिम्बल के। तो चलिए इसके डिटेल्स में जाते हैं। जैसे कि ये है, यहाँ से पावर बटन है और ये रिकॉर्डिंग ऑन एंड ऑफ का है। और यहाँ पे ये, तो यहाँ से ये बैटरी डलती है, बैटरी और मेमोरी कार्ड। और ये इसका स्पीकर, ये है पावर बटन, पावर बटन दबाने से बीप करेगा ये बीप। यहाँ पे एक एलईडी भी दे रखी है और ये एक स्क्रीन है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा आउटर शेल है, रबड़ है थोड़ा। तो इसके मेन चीज़ पे आते हैं, मैंने इसमें ये स्लाइड करने से अनलॉक हो जाता है और स्लाइड करने से ही सेटिंग से प्रेफरेंस आ जाती हैं, प्रेफरेंस में सारी सेटिंग आती हैं। इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। और ये वॉइस ओवर है, बीप है, वॉइस ओवर मतलब आप बोलोगे और ये रिकॉर्ड करना चालू कर देगा, आप बोलोगे कि स्टॉप तो ये बंद कर देगा, वो उसका भी मैं बताऊँगा। इसके फीचर्स मैं अभी बता देता हूँ, जैसे कि अभी मैं बोलूँगा GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो जैसे ये रिकॉर्ड करने लगा है GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग बोलते ही, अब जैसे मैं इसमें बोलूँगा कि GoPro टर्न ऑफ, तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा, GoPro टर्न ऑफ। तो जैसे कि अभी बंद हो गया, लेकिन आप इसको ऑन नहीं कर पाएंगे GoPro इसको, मतलब आप बोल सकते हैं कि रिकॉर्डिंग के लिए बोल सकते हैं। अभी मैं कमांड बोलूँगा और वो सीधा ऑन होते ही स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देगा ये GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग बोलते ही ये चालू हो गया, सीधा रिकॉर्ड करेगा और बंद हो जाएगा। तो पावर के लिए तो दोबारा से यही ऑन करना पड़ेगा। तो ये वॉइस वाला काफ़ी अच्छा फीचर है और शायद 6 में भी है ये, क्योंकि मैंने डायरेक्टली GoPro, मेरा सबसे पहला यही है, इससे पहले मैंने कोई GoPro नहीं लिया। इससे पहले मेरे पास एक एक्शन कैम था, वो चाइना का था ऐसे ही लोकल। तो इसके मेन चीज़ में आते हैं, जो है रेजोल्यूशन, हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन है सबसे अच्छी बात ये है। तो 4K 60fps प्लस हाइपर स्मूथ स्टेबलाइज के साथ मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है और वो वीडियो चालू होती है अब। तो ये वीडियो थी, इसमें मैं कोई गिम्बल नहीं यूज़ करा, मैं हाथ से ही पकड़ के वीडियो बनाई थी। और इसमें 1080p में 240 फ्रेम्स हैं, तो उसकी भी वीडियो देख लेते हैं। यह 1080p 60 फ्रेम में भी वीडियो बनाई है, उसकी वीडियो अब आई। टेन एटी पी 120fps स्लो मोशन। अब है 1080p 240 फ्रेम, जिसमें स्टेबलाइज काम नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तो उसकी वीडियो होती है चालू अब। सारी आपने ऐसे फ़ोटो वीडियो देख ली, इसमें एक और एडवांस फीचर है, वो है जैसे मैं अभी 1080p 60 फ्रेम में सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आता है सुपर व्यू मोड। तो सुपर व्यू मोड भी काफ़ी वाइड हो जाता है, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, उसकी वीडियो चालू होती है अब। Yes,
सारा वीडियो का स्लाइड करेंगे तो ये फ़ोटो मोड आ गया। फ़ोटो मोड पे यहाँ पे क्लिक करके प्रोट्यून, प्रोट्यून मतलब रॉ में जितने सब कुछ जैसे शटर स्पीड वगैरह, ISO सारा ऑप्शन आ जाता है इसमें। ये प्रोट्यून चालू करते जैसे इसमें आ गया वाइट बैलेंस, ISO, ISO मैक्स, शार्पनेस और कैसा कलर चाहिए रॉ में जो भी है। और इसमें वाइड एकदम फ़ोटोज़ की फ़ोटो भी ले रखी हैं, वो फ़ोटो आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसकी मोटोलॉग की वीडियो मैं शायद इस वीडियो के बाद बनाऊंगा, उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर, शेयर तो नहीं होगा वहाँ पे, तो लाइक कमेंट और फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए रेस्ट, बाय।